अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए ना तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, नीचे जो बेल आइकन दिया गया है ना वो खास दबाइएगा। तो चलो वीडियो शुरू करना है। अरे कबूतर भाई, सुना है कि कवि ने नया पिंजरा लिया है। आ, 10,000 का। 10,000 का तो इतना महंगा? हाँ, इतना महंगा पिल्ला लिया है मैंने। और ये कबूतर ने क्या किया मेरे साथ पता है? 10,000 का पिल्ला मेरे से खरीदा और पिल्ले को है ना चोरी छुपके से मेरे घर में छोड़ दिया। हम क्या चीज़ करता है कबूतर ये? हाँ, और तेरी वजह से मेरे बीवी ने मुझे झाड़ू से मारा। कितना मार पड़ा, कितना मार पड़ा कबूतर ये? सॉरी भैया। देखिए हमारी बात सुनिए, हम तो वो पिल्ले को आपसे लेकर गए, ठीक है, हमें वो चाहिए भी था, लेकिन जैसे ही हम घर पे पहुंचे हमारी बीवी ने हमें डांट दिया, बोली के अभी इस पिल्ले को वापस छोड़ के आओ। और अब तो जानते ही हो ना, हम जो है हमारी बीवी से बहुत ही डरते हैं। वो कहा ना, वो थोड़ी डेंजर टाइप की है। अरे कबूतर, तेरी बीवी डेंजर टाइप की है तो मेरी बीवी महा डेंजर टाइप की है। फिर भैया अब तो हमारी व्यथा समझ ही सकते हो। बीवी ने हमें धमकी दी थी कि अगर उसको वापस नहीं छोड़ के आए तो बहुत मारेगी और हमारे गले में पट्टा डाल के वो हमें चल मेरे पिल्ले, चल 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 चल। अबे गिर जाते, थैंक यू कबूतर, थैंक यू। खेल ले ले, खेल ले ले। ओए कबूतर, पिल्ला बहुत अच्छा है लेकिन घर पे तो रख नहीं सकते अब, इसका कुछ करना पड़ेगा। कबूतर सोच, कबूतर का करे भैया, हम भी सोच रहे हैं। आइडिया कबूतर, आइडिया, इसके पुराने मालिक को फोन करते हैं और इस पिल्ले को रिटर्न कर देते हैं। वो अच्छा आइडिया है। फोन दे, फोन दे, फटाफट। लो फोन लो। लग गया। हेलो हेलो, कवि स्पीकिंग, 1 2 3 1 2 3। फोर पाई चीक, फोर पाई चीक, आगे बोलो, आगे बोलो। अरे क्या बताओ सर जी, सुबह ही आपके वहाँ से मैंने एक पिल्ला खरीदा था, जैसे ही पिल्ला लेके मैं घर पे आया तो मेरी बीवी ने मुझे मारा, घर से बाहर निकाल दिया। बोलती है पिल्ला लेके घर में मत आना वरना तुम्हें भी घर में नहीं आने दूंगी। क्या करो साहब जी, साहब जी एक काम करो ना, पिल्ले को आप रिटर्न ले लो ना, प्लीज प्लीज प्लीज। नहीं 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 नहीं, एक बार पिल्ला बेच दिया तो बेच दिया, अब वापिस नहीं रुंगा। फोन रख। हेलो हेलो, काट दिया। का बोले भैया? अरे का बताए कबूतर, हमारी वेदना बोलता है कि रिटर्न नहीं लेगा। अरे बाप रे, अरे अभी हम का करेंगे? सोचना पड़ेगा कबूतर। मैं सोचता हूँ। सोच लिया। वाह कबूतर वाह, बता बता। इधर आओ। वाह कबूतर वाह, क्या आइडिया है, चलो मिशन पे लग जाओ। अरे भैया रोको, रोको। क्या हुआ, क्या हुआ? वो जगह हमें ठीक लग रही है, ये हमारे घर से दूर भी है और ये पिल्ला यहाँ से वापस नहीं आ पाएगा। हाँ सही बात है कबूतर, सही बात है। चल वहाँ जाके पिल्ले को छोड़ देते हैं। चल 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 चलो चलो चलो, मुझे माफ कर देना मेरे प्यारे पिल्ले, तुझे अकेले अकेले यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ, पर मैं भी क्या करूँ, मेरी मजबूरी है और मैं भी घर बार लेके बैठा हूँ मेरे प्यारे पिल्ले। अपना ख्याल रखियो, वक्त से खाना खा लियो, टेंशन बिल्कुल मत लेना, डिप्रेशन हो जाता है। टाइम मिले ना तो पढ़ाई वढ़ाई कर लेना। कुछ भी करना लेकिन शादी मत करियो। चल कबूतर चल, अब घर चलते हैं। बाय बाय। अबे पुलिस पुलिस, भागो भागो, रुको। भाग गए साले। अरे बाप रे, ये छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा पिल्ले को छोड़ के भाग गए।
अबे रुको बे हवलदार। यस सर। पिल्ले को हमारे साथ ले लो, छोड़ेंगे नहीं उसको। आ गए। हाँ आ गया। कहाँ है वो पिल्ला? कहाँ है? अरे पिल्ले को तो मैंने रास्ते में ही छोड़ दिया। oh, no. अब वापस नहीं आएगा ना? नहीं आएगा मेरी कविता, पिल्ला वापस नहीं आएगा। बहुत दूर दूर जाके छोड़ दिया है। तो ठीक है, चलो अंदर अभी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यही घर है उसका। आए तो इसी घर में थे साहब। तो चलो चलो। ए! ओ, 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 ओ! अरे साहब जी, आप यहाँ तक आ गए और इस पिल्ले को वापस लेकर आ गए। अगर मेरी बीवी ने देख लिया ना तो पिल्ले के साथ साथ मुझे भी मारेगी। ए! पहले ये बता, तूने पिल्ले को रास्ते पे क्यों छोड़ा? क्योंकि मेरी बीवी को यह पसंद नहीं है। अरे पसंद नहीं है तो फिर तुम्हें उसे समझाना चाहिए ना कि पिल्ला तो कितना मासूम होता है। लेकिन वो नहीं समझती कि पिल्ला तो कितना मासूम है। अरे अरे रे, क्या हुआ? कौन है? मम्मी, अब वापस पिल्ले को क्यों लेके आ गए? अरे कौली, मैं पिल्ले को लेके नहीं आया हूँ, ये सर जी लेके आया है। हाँ लाऊंगा ही ना, लाऊंगा ही, क्योंकि तुम्हारे पति ने इस पिल्ले को रास्ते पे छोड़ दिया था। अब सोचो इस बेचारे पिल्ले के साथ कुछ हो गया होता तो हाँ? अरे दूसरा कुत्ता आके इसे काट लेता, मार देता, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी 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 इसकी इसकी इसकी? क्या बोला आपने? नहीं नहीं, मेरी मेरी मेरी। हाँ, हाँ, तो इसीलिए मैं इस पिल्ले को तुम्हारे पास छोड़ने आया हूँ। लेकिन आपने बहुत बुरा किया। अरे क्या बुरा किया? बुरा तो तुम लोग इसके साथ कर रहे हो। अरे पर सर, हमको ये पिल्ला चाहिए ही नहीं। हाँ सुनती, मेरे को भी ये पिल्ला घर में नहीं चाहिए। अगर ये पिल्ला हमारे घर में रहा ना तो मेरी बीवी मुझे बहुत 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 मारेगी। ये तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। अब तो इस पिल्ले को तुम लोग को रखना ही पड़ेगा। और हाँ, अगर नहीं रखोगे तो क्या कर लोगे? तो नहीं रखोगे तो हाँ तो तुम दोनों को जल में ऐसे चक्की पीसिंग पीसिंग पीसिंग। क्या पीसिंग पीसिंग पीसिंग? हाँ तो ठीक है सर, हम इस पिल्ले को रखेंगे। हाँ रखेंगे। हाँ अब सही है। हवलदार जी सर, ले कर दो। लाओ लाओ पिल्ला। और हाँ सुनो, अब से इस पिल्ले का बहुत ही अच्छी तरीके से ख्याल रखना, ठीक है? क्योंकि ये पिल्ला तो छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा पिल्ला है। क्या है? छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा पिल्ला है। सही है सही है। और हाँ, कान खोल के सुन लो दोनों, अगर दोबारा तुम दोनों में से किसी ने भी इस पिल्ले को बाहर रास्ते पे छोड़ा और मुझे पता चला तो फिर तुम्हारा क्या होगा? क्या होगा? बताया था ना तुम लोगों का क्या होगा। बहुत बुरा होगा तुम लोगों के साथ। नहीं नहीं नहीं, रखेंगे। तो फिर इस पिल्ले का ख्याल रखना बच्चू। चलो अब मैं चलता हूँ, ऐसे मुझे कई सारे केस को सॉल्व करना होता है। चल हवलदार, निकलते हैं। सॉरी आना साहब जी आना। और हाँ भूलना मत इस पिल्ले का ख्याल रखना, ठीक है? ठीक है साहब। आप अब अंदर चलो और इस पिल्ले को बाहर ही छोड़ दो। ये पिल्ला बाहर नहीं रहेगा, क्योंकि ये तो छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा पिल्ला है, ये अंदर ही रहेगा। ये तो छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा पिल्ला है।
अंदर ही रहेगा। अब समझे। चलो चलो चल जाते हैं सब। आप भी आना, चाय पानी पीने आते रहना। ठीक है, मिलते मिलते। आज तो आपके जनरल में सर्विस होगी। चलो आप अंदर। नहीं, चलो भागो भागो, इस कवि की तो वाट लग गई। हेलो फ्रेंड्स, तो आज का हमारा सवाल है, ऐसा कौन है जिसने बहुत सारी शादियां की है लेकिन फिर भी कुंवारा है। इस सवाल का जवाब जो फर्स्ट कमेंट बॉक्स में देगा ना, उसको मिलेगा हमारी कवि की टीम की तरफ से एक आकर्षित इनाम। तो अभी करें कमेंट। बाय बाय।